लखीमपुर खीरी केस में नहीं चली मंत्री के बेटे की हनक, 12 घंटे में साबित नहीं कर सका बेगुनाही, भेजा गया जेल। शाखा 9 न्यूज़, सच की बात हक के साथ। नमस्कार, शाखा 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं रविंद्र नायक। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक वारदात का मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू से शनिवार को क्राइम ब्रांच ने 12 घंटे तक कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में वह बेखौफ दिखा और तरह तरह के दावे से अपनी बेगुनाही के सबूत देने की कोशिश करता रहा, लेकिन क्राइम ब्रांच की पूछताछ में उसकी सारी पोल खुल गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने कहा कि आशीष जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, इसलिए उसे आगे की पूछताछ के लिए गिरफ्तार करना जरूरी था। हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं, तो नॉन कोऑपरेशन कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, ही विल प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेंड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। शनिवार की रात 1:15 बजे आशीष को जेल में दाखिल करा दिया गया है। मंत्री के बेटे आशीष ने पूछताछ के दौरान घटनास्थल पर खुद के मौजूद नहीं होने की बातें दोहराता रहा था, जबकि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दावा किया कि जिस थार जीप से किसानों को कुचला गया उसे आशीष ही चला रहा था। गिरफ्तारी के साथ ही उसकी हनक भी खत्म होती दिखाई दी। पुलिस के अनुसार आशीष से पहले गिरफ्तार दो अन्य लोगों ने भी कहा था कि थार जीप आशीष ही चला रहा था। इससे पहले शनिवार की सुबह पूछताछ के लिए पहुंचा आशीष अपनी बेगुनाही के लिए सबूत भी लेकर आया था। पुलिस से सिलसिलेवार उन्हें देखा, आशीष यह साबित नहीं कर सका कि दोपहर 2:15 बजे से 3:30 बजे तक वह कहां था। आपको बता दें कि शनिवार की सुबह वकीलों के साथ आशीष मिश्रा पूरे रॉब में क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पहुंचा था, लेकिन उसके बाद वह असहाय सा दिखाई दिया। पुलिस वालों ने आम अपराधियों की तरह उसे खींचते हुए पुलिस जीप में बिठाया और जेल के लिए रवाना हो गई। आशीष मिश्रा के वकील अवधेश कुमार ने कहा कि उसे न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। अब सोमवार 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी कि उन्हें पुलिस कस्टडी दी जानी चाहिए या नहीं। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में रहेंगे। पुलिस ने 3 दिन की हिरासत मांगी थी, जिसका हमने विरोध किया था। इस खबर में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।